एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 ओरिजिनल मॉडल पर 2020 का ही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सर्टिफिकेट ए जीएडी जेडब्ल्यू 2019-20 इस तरह से आपका पेपर होता है। यहाँ पे आपको रेजिमेंटल नंबर, रैंक, नेम और यहाँ पर स्कूल नेम यहाँ पे फिलअप करना होता है। 3 घंटे का समय होता है, 350 का रिटर्न होता है और पासिंग मार्क्स 157.5 यानी 50% मार्क्स आपके आने चाहिए पास होने के लिए, केवल ए ग्रेड के लिए सारे होने चाहिए, ठीक है, मतलब 80%। तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर के साथ बताऊंगा। इस तरह से आपका लिखा होता है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है तथा तो प्रश्न पत्र पर ही उत्तर लिखे, मतलब आपको आंसर इसी पेपर पर लिखना होता है, ठीक है। पेपर वन ड्रिल का 35 नंबर का हुआ था 2021 में, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में बताऊंगा, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। फर्स्ट, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई, ये जर्मनी से खा होगा। सेकंड, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है, ये निरीक्षण के बाद और मार्च पास से पहले करते हैं, ग होगा। थर्ड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः दो भागों में पूरा होता है, तो ये क होगा, कॉस्टनरी और एग्जीक्यूटिव होता है। फोर, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है, तो 180 डिग्री मुड़ते हैं और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रिल की बुरी आदत है, तो एक दूसरे से बात करना भी बुरी आदत है, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना भी बुरी आदत है, बूट को जमीन पर घिसटकर चलना भी बुरी आदत है, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे डाउनलोड तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, तो प्ले स्टोर से सभी लोग ये सर्च करेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप वहां पर सर्च करेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इस पर आपको सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। ये तो मॉडल पेपर है और वहां पर मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज दोनों मिलेगा, तो ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट पेज 2, क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं, ग होगा। 7, ड्रिल दो प्रकार के होते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल होता है, क होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सही गलत लिखना है, क विश्राम पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है, ये गलत है यानी फॉल्स होगा। ख सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, ये ट्रू है। ग विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच का फासला 18 इंच होता है, यह भी फॉल्स है। घ खुली लाइन चल में आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करती, ये ट्रू है यानी सही होगा। और अंग बायो मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बायो मुड़ते, ये गलत है क्योंकि 90 डिग्री मुड़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, सही जोड़ी मिला यानी मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग आप लोग ऐसे नहीं मिलाएंगे, ठीक है, जैसे उस करेक्ट नहीं मिला, ये गलत तरीका है। आपको आंसर बगल में लिखना है इस तरह से, जैसे क दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ में 90 डिग्री मुड़ते, तो क के बगल में लिख देंगे ऊ। ख समीक्षा क्रम, समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं, ख के बगल में ई लिख देंगे। ग पीछे मुड़, पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते, तो ग के बगल में आ लिख देंगे। गर्ल्स कैरेट 110 कदम चलती है 1 मिनट में, तो घ के बगल में ई लिख देंगे। और सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, तो बगल में आ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग आंसर है 5 नंबर का, कोई 5 पॉइंट लिखिएगा, मैंने आपको 8 पॉइंट बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट सिस्टम लिखिएगा जैसे बताया हूं, वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड, कमीज व पैंट सही प्रकार सिले और बटन लगे हो। थर्ड, वर्दी न तो अधिक ढीली और न ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। फोर्थ, जूते अच्छी तरह पॉलिश किए और फीते ठीक से बंधे होने चाहिए। फिफ्थ, पैंट में बेल्ट ठीक से बंधी होनी चाहिए। सिक्स्थ, बाल छोटे कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। सेवेंथ, दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। और एट्थ, सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। कोई 5 पॉइंट लिखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है। नेक्स्ट पेपर 2 यानी पेज नंबर 3, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग 35 नंबर का, 11 नंबर, दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें क्या है, तो साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होता है, ग होगा। 12, निम्नलिखित टारगेट में से ग्रुपिंग और जीरोइंग में कौन सा टारगेट इस्तेमाल करते हैं, तो 1:1 टारगेट, क होगा। 13, फायर पर असर डालने वाली बातें क्या है, कम है हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, ये सब भी बातें डालती है। ख हथियार का जीरो न होना, ये भी है। ग बैनर लगाकर फायर करना, ये भी है, यानी घ होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा व दुरुस्त फायर के लिए क्या जरूरी है? तो अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, यानी ग होगा। 15, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में बांटा गया? तो फायरिंग पार्टी को इसको वेटिंग डिटेल तीन ग्रुप में, ठीक है, इसमें खा होगा, ध्यान ये गलत है, खा होगा फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और हेल्पिंग डिटेल होता है, तीन खा होगा। 16, डब्ल्यू टी में पीओए का पूरा नाम, पॉइंट ऑफ एम होता है, क होगा। 17, डब्ल्यू टी में एमपीए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है, ग होगा। 18, एमएमजी को कहते हैं, यानी एमएमजी का फुल फॉर्म मीडियम मशीन गन होता है, ख होगा। नेक्स्ट 19, रिक्त स्थान भरे 5 नंबर का है, 0.22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? 25 का जो होता है, ख 7.62 एमएम एसएलआर के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड। ग 0.22 राइफल किस देश का बना हुआ है? तो ये यूगोस्लाविया का बना है। घ 5.56 एमएम इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर है? ये 400 मीटर होता है। अंग 0.22 इंच डिलक्स राइफल का लंबाई कितना इंच है? तो 43 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग पोजिशन कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे? तो यह 4 प्रकार की होती है, लेइंग पोजिशन, नीलिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन और स्टैंडिंग पोजिशन। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर 4, 21 नंबर, 0.22 इंच राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम लिखे, कोई 5 लिख देंगे, बैरल, ट्रिगर, बट स्क्रू, फोरसाइट नोक, बोल्ट, कैश कलेक्टर, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट, कोई 5। 22, निम्नलिखित का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखे, 5 नंबर का, सीओ का कमांडिंग ऑफिसर होता है, एसएलआर का सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, सीएमजी का कार्बाइन मशीन गन होता है, एलएमजी का लाइट मशीन गन होता है और पीओए का पॉइंट ऑफ एम होता है। नेक्स्ट पेपर 3, मिसलेनियस 200 नंबर का होता है, फर्स्ट टॉपिक द एनसीसी 5 नंबर का। 23, सदियों से हमने इसको अपने खाली स्थान से पाला है, खून से पाला है। 24, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? तो टोटल 17 हैं। 25, निदेशालय का प्रमुख कौन होते हैं? तो निदेशालय का प्रमुख एडीजी होते हैं। 26, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो कर्नल जीजी बैबूर थे, क होगा। 27, राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1948 में हुआ था, तो ख होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन, 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। 28, भारत के लौह पुरुष थे? तो सरदार वल्लभी पटेल लौह पुरुष, ख होगा। 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, घ होगा। 30, जालियांवाला बाग स्थित है ये अमृतसर में, तो ग होगा। 31, 5 सितंबर को मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, तो घ होगा। नेक्स्ट 32, मुंडन समारोह है, तो मुंडन समारोह यानी टकला होना हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, क होगा। 33, ओनम पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो ये केरल का प्रमुख त्यौहार है, क होगा। 34, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा, क होगा। 35, विश्व योग दिवस कब मनाते? तो 21 जून को मनाते, क होगा। 36, हिंदू का ग्रंथ वेद है, क होगा। 37, बिहू किस राज्य में मनाते? तो ये असम का प्रमुख त्यौहार है, क होगा। नेक्स्ट 38, शाही मिलान करे 10 नंबर का, क है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था, क के बगल में ही। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, ख के बगल में हुई। अर्जुन देव ये सिख धर्म से रिलेटेड है, तो ग के बगल में आ। गिर फॉरेस्ट गुजरात में, घ के बगल में आ। और अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, तो अंग के बगल में ई होगा। 39, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता है उसे कहते हैं, उसे ग्रुप कहते हैं, ख होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है, क होगा। नेक्स्ट 41, नेतृत्व के प्रकार है, तो ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लेजिस फेयर भी है, तो ऑप्शन घ होगा इनमें से सभी। 42, नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? तो निर्णय लेने की क्षमता, क होगा।
43 नेता के गुण है तो जागरूक सही आचरण यह भी है, साहस निर्णायकता यह भी है, विश्वसनीयता सहनशीलता यह भी है, तो घ होगा इनमें से सभी। 44 नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए, तो जागरूक होना चाहिए, क होगा। 45 नेता को इनमें से होना चाहिए, व्यवहार कुशल, क होगा। 46 राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देता है, सर्व शिक्षा अभियान में आता है, क होगा। नेक्स्ट 47 ALC कहते हैं यानी फुल फॉर्म एडवांस लीडरशिप कैंप होता है, क होगा। YEP कहते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, क होगा। 49 GCI कहते हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होता है, क होगा। 50 COC किसे कहते हैं, तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होता है, ग होगा। 51 CWS कहते हैं तो कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी होता है, ग होगा। नेक्स्ट 52 राष्ट्रीय एकीकरण है, सकारात्मक विचार है, क होगा। 53 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क होगा। 54 निम्न में से नागरिक किसे कहते हैं, तो जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ग होगा। नेक्स्ट 55 नेता के किन्हीं 10 गुण को लिखे 5 नंबर का है, तो कोई 10 लिख देंगे, ज्ञान, साहस, आचरण, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, सतर्कता, निर्णायकता, निस्वार्थता, व्यवहार कुशलता, न्यायिकता, कोई 10 लिख देना। नेक्स्ट 56 भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार लिखो 5 नंबर का, फंडामेंटल राइट्स, तो 6 है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का, 6 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 57 इनमें से प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा अवलांच होता है, क होगा। 58 इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, तो भूकंप एक मानवकृत नहीं है, तो ख होगा। 59 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है, ये बेंगलुरु में, ख होगा। 60 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधक का अध्यक्ष कौन होता है, ये जिलाधीश होते हैं, DM, ख होगा। नेक्स्ट 61 सही जोड़ी मिलाओ जमीन खिसकना, तो इसका आ होगा पृथ्वी से रिलेटेड है, बगल में आ लिखेंगे। साइक्लोन हवा संबंधित है, बगल में ही लिखेंगे। जहाज दुर्घटना पानी संबंधित है, सॉरी मानव निर्मित दुर्घटना है, बगल में ऊ लिखेंगे। बाढ़ आना पानी संबंधित, बगल में ही लिखेंगे। लगातार बम ब्लास्ट आतंकवादी हमला, बगल में अ लिखेंगे। 62 फायर फाइटिंग पार्टी है, तो ये आग बुझाने वाली पार्टी, क होगा। 63 टी का अर्थ, टी का अर्थ होता है राष्ट्र समाप्त, यानी ख होगा। नेक्स्ट 64 नंबर फायर फाइटिंग पार्टी की कितनी पार्टी होती है, 4 पार्टी होती है, ग होगा। 65 HIV कहते हैं यानी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ग होगा। 66 इनमें से एड्स नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, ग होगा। 67 एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, ग होगा। 68 रक्तदान किया जाता है, तो स्वस्थ एडल्ट पुरुष महिला द्वारा करते हैं, ग होगा। नेक्स्ट 69 रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप है, AB एंड ओ ब्लड ग्रुप है, क होगा। 70 एनजीओ से आप क्या समझते हैं, तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ग होगा। 71 महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम है, तो ये गैर सरकारी संस्था है, ख होगा। 72 कैंसर के कारण है, तो कैंसर गुटखा के प्रयोग से भी होता है, सिगरेट के प्रयोग से भी होता है और वायुमंडलीय प्रयोग से भी होता है, तो घ होगा इनमें से सभी। 73 दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया, ये 1961 में बना था, घ होगा। नेक्स्ट 74 दहेज निवारण पर 5 पंक्तियां लिखो, इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम में। फर्स्ट अपनी बेटियों को शिक्षित करें, सेकंड उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, थर्ड उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं, फोर्थ अपनी बेटियों के साथ बिना भेदभाव समानता का व्यवहार करें, और फिफ्थ दहेज लेने और देने वाले को हतोत्साहित करें, डराए धमकाए, पांचों पॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट 75, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले समाज सेवाओं का नाम लिखें। इसमें होगा रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, कोई 5। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 25 नंबर का। 76, सूर्य नमस्कार कितने भाग में पूरा होता है? ये 12 घ होगा। 77, प्लेग का कारण है तो चूहा पिस की वजह से होता है, क होगा। 78, मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है, 206 ग होगा। 79, मच्छर काटने से होता है मलेरिया और डेंगू, घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जल से होने वाली बीमारियां, तो हैजा भी होता है जल से, दस्त भी होता है, डायरिया भी होता है, तो घ होगा इनमें सभी। 81, जानवरों से होने वाली बीमारियां, तो रेबीज भी होता है, प्लेग भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, तो घ होगा इनमें सभी। 82, कैंप में साफ सफाई रखने का तरीका, क भोजन साफ सुथरा तथा ढका हुआ, ये भी सही है, पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए, ये भी सही है, और ग डीडीटी का छिड़काव और जल जमा होना, ये भी सही है, मतलब डी होगा इनमें सभी। नेक्स्ट 83, सही गलत का चुनाव करें 5 नंबर का। चिकन पॉक्स संक्रमण या एयरबोर्न डिजीज नहीं है, ये ट्रू है। ख कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, ये भी सही है, ट्रू होगा। ग त्वचा शरीर के तापमान को विनियमित करने या बनाने रखने में मदद करती है, ये भी ट्रू है। घ डिसेंट्री जल से होने वाली बीमारी है, ये भी ट्रू है। और अंग डीटीएल यानी डीप ट्रेंच लैटरिन अस्थाई यानी परमानेंट रूप से इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है, ये गलत है, ये टेम्पररी होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता। नेक्स्ट 84, कौन से ऐसे मुख्य कारक यानी बेसिक फैक्टर जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं? इसका होगा पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और रूटीन लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 85, पैरा जंपिंग होता है, ये अग्रम होता है, घ होगा। 86, पैरा सेलिंग है तो ये एक एरियल स्पोर्ट्स है, तो घ होगा। 87, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, ये दार्जिलिंग में है, घ होगा। 88, ट्रैकिंग कैंप में इसमें पैदल चलना पड़ता है, तो घ होगा। नेक्स्ट 89, साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ है? तो इससे साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, यह भी सही है, आत्मविश्वास पैदा करना, यह भी सही है, नेतृत्व के गुण का विकास करना, यह भी सही है, इनमें से सभी यानी घ होगा। नेक्स्ट 90 नंबर, एक साहसिक गतिविधि जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर से नीचे की ओर रस्सी पकड़कर उतरने की कार्रवाई को क्या कहते हैं? तो उसे स्लिदरिंग कहते हैं, ग होगा। 91, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है, तो इसमें माउंटेनिंग एक्सपेडिशन भी होता है, पैरा जंप भी है, वाटर राफ्टिंग, तो डी होगा इनमें सभी। 92, एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसिक प्रशिक्षण का नाम लिखें, 3 नंबर का, कोई 3 लिख देंगे, इसमें होगा ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पारा सेलिंग, स्लिदरिंग, साइकिल मोटर साइकिल एक्सपीडिशन, वाटर राफ्टिंग, कोई 3 लिख देना। 93, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं, तो पर्वतारोहण हेतु HMI दार्जिलिंग भी है, AMS मनाली भी है और NMI उत्तरकाशी भी है, इनमें से घ होगा इनमें सभी। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंट अवेयरनेस कंजर्वेशन 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, तो क होगा। 95, प्रदूषण के प्रकार हैं, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भू प्रदूषण, तीनों ही है, घ होगा इनमें सभी। 96, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया, तो ये 1972 में किया गया, तो ग होगा। 97, भू प्रदूषण रोकने के उपाय, तो अवशिष्टों का ढेर लगाना भी होगा, स्वच्छता भूमि भरण भी होगा और भस्मीकरण भी, तो 97 का घ इनमें सभी होगा। 98, वायु प्रदूषण के कारण है, धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, परमाणु विस्फोट भी है, तो घ होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, जल प्रदूषण रोकने के उपाय, कम है उबालकर, ख छानकर, ग क्लोरीनीकरण, तो ये तीनों ही जल प्रदूषण के उपाय है, घ होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, तो जंगल अदा करती है, ख होगा। सही जोड़ा मिलाओ कार्बेट नेशनल पार्क,
तो ये नैनीताल में है तो बगल में आ लिखेंगे। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात, तो बगल में ई लिखेंगे। घाना वर्ड सेंचुरी ये भरतपुर में है तो बगल में अ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधा रहती है? 10 होती है, क्या होगा? 3। ऊंची दीवार की लंबाई की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 6 फुट होता है, गा होगा। 4। ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है? तो सीधी बीम, ख होगा। 5। रैंप की ऊंचाई है तो रैंप की ऊंचाई 4 फुट होती है, क होगा। नेक्स्ट 6, एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है? तो 30 फीट होता है, ख होगा। नेक्स्ट पेपर 4 80 नंबर का फर्स्ट मैप रीडिंग 50 नंबर, कंपास का पूरा नाम क्या है? तो कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, ख होगा। नेक्स्ट 108, जीपीएस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, घ होगा। 9, मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं, उसे रूढ़ी चिन्ह कहते हैं, ख होगा। 10, उत्तर के प्रकार है तो उत्तर 3 प्रकार, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ग होगा। 111, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है उसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ग होगा। 12, कंपास 2 प्रकार का होता है, ड्राई और लिक्विड, क होगा। 13, नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है सर्विस प्रोटेक्टर से मापते हैं, ख होगा। 114, निम्नलिखित का रूढ़ी चिन्हानी साइन बनाओ, कन्वेंशनल साइन, पुल का ऐसे होता है, ठीक है, देख लो, गिरजाघर का ये है, ईदगाह का ये है, मंदिर का ऐसे बनाते हैं और किला का ऐसे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 15, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो, 5 नंबर का है तो कोई 5 लिख देंगे, इसका होता है टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, प्रिज्म, प्रिज्म केस, निडिल, थम, थम रिंग, कोई 5 लिख देना, ठीक है। 16 नंबर, ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? चित्र के साथ दर्शाएं, ये चित्र हो गया, ये सब ईस्टिंग लाइन है, ये सब तो 2, 4, 6, 8 ईस्टिंग लाइन, ये 2, 4, 6, 8 ये नॉर्दिंग लाइन है। ईस्टिंग लाइन का डेफिनेशन, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है ईस्टिंग लाइन कहते हैं, नक्शे के ऊपर पड़ी लाइन जो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। 17, 270 डिग्री किस दिशा में होता है? तो ये पश्चिम दिशा में होता है, ग होगा। 118, 135 डिग्री का बैक बेयरिंग होता है, 315 डिग्री होता है, क्योंकि 135 में क्या करेंगे, 180 जोड़ देंगे अगर कम है तो, ठीक है, 180 135 में जोड़ देंगे तो 315 आएगा। 119, शिवालय की मदद से किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? उत्तर दिशा का, कहा होगा। 20, सही जोड़ा मिला, स्केल 3 प्रकार का होता है तो बगल में ही, दक्षिण 180 डिग्री पर होता है, बगल में ऊ, सिक्स फिगर जिया 100 मीटर को दर्शाता है, बगल में आ, सर्विस प्रोटेक्टर, इसको सर्विस प्रोटेक्टर का जीरो एज होता है, बगल में ही, और कंपास में हिंज होता है, बगल में आ। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बर्ड क्राफ्ट 12 नंबर का 21 नंबर, सेक्शन फॉर्मेशन होती है 6 प्रकार की होती है, ग होगा। 22 नंबर, चीजें क्यों दिखाई देती है? तो चीजें स्पेस, शेप, शेडो, सिलहट, शाइन, स्पेसिंग और मूवमेंट का सही से इस्तेमाल ना करने से, तो ग होगा। नेक्स्ट 23, खुले मैदान में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाना यानी हरकत करना कहते हैं, उसे फायर एंड मूव कहते हैं, ग होगा। 24, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई ना दे उसे कहते हैं, उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, ख होगा। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है तो 125 का 4 होगा, ख होगा। नेक्स्ट 126, इन्फेंट्री सेक्शन में जवान की संख्या होती है तो ये 10 होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज 18 नंबर का 27 नंबर, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है तो ये राष्ट्रपति होते हैं, ग होगा। 28, आईएमए स्थित है तो आईएमए देहरादून में स्थित है, ख होगा। नेक्स्ट 29, एनडीए में दाखिला के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो 10 प्लस 2 चाहिए, क होगा। 30, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है तो जनरल का होता है, क
घ होगा। 31 एसएम अलंकरण को कहते हैं, सेना मेडल इसका फुल फॉर्म होता है, घ होगा। 32 संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, क होगा। नेक्स्ट 133 प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 18 तक हुआ था, ख होगा। 34 कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ, 1999 में हुआ था, ग होगा। 35 पृथ्वी क्या है, तो यह एक मिसाइल है, क होगा। टोटल इतने क्वेश्चन थे आपके, सारे मैंने आपको बता दिए। सभी लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे चार मॉडल पेपर आंसर के साथ और बाकी सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सारा अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, अपने दोस्तों को भी बता देंगे और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।